जसप्रीत बुमराह, आज आप देख सकते थे कि वो एफर्ट डाल रहे हैं, वो जितनी अपनी तरफ से कोशिश हो सकती है कर रहे हैं, लेकिन सुबह लैबुशेन का एक कैच ड्रॉप किया हनुमा विहारी ने, फिर टिम पेन का एक कैच ड्रॉप किया रोहित शर्मा ने स्लिप्स में, फिर लगा कि शायद वो भी एक कैच था जो अजिंक्य रहाणे ने ड्रॉप किया। टोटल 8 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं उनकी बॉलिंग से इस सीरीज में। लेकिन पार्थिव, आप बहुत करीब से जानते हैं जसप्रीत बुमराह को, ऐसा क्या है? मतलब मैं तो अपना एक्सपीरियंस गली क्रिकेट का आपको बता सकता हूँ, मेरी बॉल पर कोई कैच ड्रॉप करता था मैं तो बहुत गुस्सा हो जाता था, लेकिन वो सर वो एक मुस्कान के साथ वापस चले जाते हैं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं। आई थिंक बहुत बार हमारे रणजी ट्रॉफी मैच में भी हुआ है, इंडियन टीम में भी हुआ है कि जब मैंने भी कैच छोड़ा है या किसी ने भी कैच छोड़ा है तो वो हर बार आके यू नो एक टैप देके चले जाते थे कि कोई बात नहीं, क्योंकि उनको कैरेक्टर वैसा है कि उनको पता है कि कोई जानबूझ के कैच छोड़ता नहीं। सेम भारतीय टीम में भी ऐसा ही है, कोई जानबूझ के कैच छोड़ता नहीं, ये सारी चीजें होती है और उसमें वो डिसअपॉइंटेड नहीं होते, क्योंकि एक चीज जो कहते हैं कि उनके हाथ में बॉलिंग डालना और वो लगातार वो ही करते रहते हैं, अपने एफर्ट को गिरने नहीं देते, वो उनका एक प्लस पॉइंट है। पर एज अ प्लेयर और एज अ फील्डिंग टीम वो एक बन जाता है कि आपको उनको सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी तो यू नो वो फ्रस्ट्रेशन आता ही आएगा ही, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा कि जसप्रीत बुमराह जिस तरह के कैरेक्टर है उन पे उस तरह का ये फ्रस्ट्रेशन दिखेगा। कैरेक्टर ऑफ स्टील है, यॉर्कर रख के रखते हैं अपने तरकश में, बोलते हैं ठीक है आप कैच नहीं पकड़ेंगे मैं यॉर्कर से बोल्ट मार दूंगा। लेकिन पार्थिव, इस पूरी सीरीज में जसप्रीत बुमराह से तो 8 कैच, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर 8 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी फील्डिंग काफी बिलो पार लगी है आपको इस पूरी सीरीज में, क्या वजह हो सकती है उसके पीछे और क्या करना चाहिए उसको फिक्स करने की? आई थिंक वजह तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक इसके आंसर्स आई एम श्योर भारत के फील्डिंग कोच है वो ज्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं, क्योंकि कैचेस काफी छूटे हैं, ऐसा नहीं कि खाली ये सीरीज में कैच छूटे, जब से भारत पिछले 1-2 साल से कैचेस छूटे, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि भारत के जो फील्डिंग कोच है आर श्रीधर उनको थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि बाकी टीमों की फील्डिंग काफी स्तर बहुत ऊपर है। और एक बार और भी देखें कि भारत का फील्डिंग स्तर बहुत ऊपर गया था, लगातार थोड़ा थोड़ा अभी नीचे आ रहा है, तो आई थिंक बिल्कुल जिस तरह से चल रहा है, मैं टू पिन पॉइंट वन थिंग कि क्या गलत हो रहा है वो बहुत मुश्किल काम है,